वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ द अनमोल राजवंशी। और आज हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आया हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यही है कि पबजी मोबाइल गेम के अंदर आई एम नॉट अ प्रो प्लेयर। मैं कोई अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, मैं कोई एस प्लेयर नहीं हूँ, कोई कॉन्करर प्लेयर नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट अ एंटरटेनर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ एंटरटेनर जो गेम्स स्पेक्ट्रेट करता है, ना कि अपनी गेम प्लेस लोगों को दिखाता है। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैं गेम करता हूँ। मैंने स्पेसिफिकली बताया आई एम नॉट अ प्रो प्लेयर। यार ये बंदा है क्या रही, ये बात मैं इस वीडियो में प्रूफ करूँगा। देखो गाइस, ये बंदा है द अनमोल राजवंशी नाम से एक यूट्यूबर है जिसके 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और ये भी डायनेमो जैसे बाकी लोगों का है कि मैं प्रो हूँ, मैं प्रो हूँ, मैं पट से हेडशॉट दे सकता हूँ। ये ऐसा बंदा है, और गाइस ये बंदा लिटरली हैकर है गाइस। मैं ये बिल्कुल 100% आपको प्रूफ दूंगा इस वीडियो में कि कैसे हुआ। फिर ऐसे ही एक यूट्यूबर ने मेरी एक वीडियो डाल दी, और उसके अंदर उसने बकायदा मतलब बहुत कुछ बोला है, लेकिन दैट इज़ नॉट कम्प्लीट ट्रू। सबको पता है कि मैं कोई भी जो वीडियोस खेलता हूँ, गेम्स खेलता हूँ, वो गेम प्ले के हिसाब की नहीं होती, इट इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। और आप सबको पता है पबजी मोबाइल इमुलेटर या पबजी मोबाइल कम्युनिटी पे कितने सारे हैकर्स हैं। उन्होंने एक वीडियो डाली है उस यूट्यूबर ने कि दैट आई हैक पबजी गेम्स 1000%, आई डोंट नो अबाउट 10%, 50%, 100%, उसने बोल दिया 1000% ये हैक करता है। भाई मैंने कभी अपनी स्ट्रीम्स पे ये नहीं बोला कि आई एम अ प्रो। सेकेंडली मैं सिर्फ कस्टम स्पेक्ट्रेट करता हूँ। मैं ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी टू ऑल माई लविंग पीपल। मैं सारी अपनी कम्युनिटी को सॉरी बोलता हूँ कि हाँ मेरे को पता है कि हैक कैसे होता है, और मैंने कभी ये चीज़ को दिखावा नहीं किया या स्ट्रीम पे नहीं दिखाया। तो उस बंदे ने इस तरीके से किया कि जब मेरे को ये हैक मिला तो मैंने सोचा कि यार ये करके देखते हैं, नॉट बिकॉज कि मेरे को प्रो बनना है उस टाइम कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, जबकि मैं कस्टम स्पेक्ट्रेट करने के लिए ये यूज़ करना चाहता था, जैसे मैं कस्टम्स में स्पेक्ट्रेट करके चेक कर सकूं कि कौन लिजिटली हैक कर रहा है, रिकॉइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस वजह से मैंने हैक किया, ना कि खुद खेलने की वजह से। पर सब लोगों को पता है जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं कि सबसे पहला गेम जो मेरा होता है उसके अंदर मैं गेम खेलता हूँ, और कभी भी बड़ा गेम नहीं खेलता जिससे अपन को रैंक पुश मिलता है। मैं हमेशा फर्स्ट गेम या तो आर्केड का लगाता हूँ, या फिर TDM का तो मैंने लगाया ही नहीं आज तक, हमेशा आर्केड का। कभी स्नाइपर लगा लूँगा, कभी छोटा रूम बना लूँगा, वो भी सोलो का। उसके अंदर वैसे भी बॉट्स आते हैं, तो आई डोंट नीड टू हैक या आई डोंट वांट टू शो माय स्किल्स, मैं नॉर्मल वो गेम खेलता हूँ। और सेकेंडली फिर उस बंदे ने कोई प्रॉपर इंटरप्रिटेट नहीं कर पाया कि यार उसने क्यों किया। वो मुझसे पूछ सकता था कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप तो ऐसे स्ट्रीम करते थे, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी। सब लोगों ने मुझसे यही कहा कि यार अगर तुमने हैक किए तो किए ही क्यों, दैट वॉज माई मिस्टेक। और मैं बिल्कुल उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ सभी लोगों से कि आई एम रियली सॉरी दैट आई हैक्ड इन पबजी मोबाइल। लेकिन एक बात ये भी सच है जो आजकल की कम्युनिटी में हो रही है, क्योंकि कम्युनिटी की बात करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पबजी मोबाइल कम्युनिटी के अंदर ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, या मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ऐसा कोई प्लेयर, मतलब हर तीसरा बंदा जो इमुलेटर पर खेल रहा है ही नोज हाउ टू हैक, और उसकी टीम में कोई ना कोई हैकर होता है जिससे वो रैंक पुश करता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को नहीं पता कि भाई तू तो खुद हैक करता है, मैंने कभी भी अपने गेम प्ले को लेके नहीं सीरियस हुआ। अगर आप मेरे फ्रेंड हो पबजी मोबाइल पे तो यू कैन चेक दैट कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं या जितनी भी मेरे स्टैट्स हैं उसके अंदर कोई भी ऐसा स्टैट नहीं है कि मेरे 17 किल और मेरे टीममेट के 2 किल हैं। अगर मैंने लिए अच्छा मारा तो सामने वाले ने भी अच्छा खेला, या सामने ख़राब प्लेयर्स हैं, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बन के खेला कि भाई ये बंदा तो आपको दिख ही नहीं सकता था, आपने कैसे इसको मार दिया। सो दैट वॉज माई मिस्टेक, जिसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और मैं उस बंदे को यही बोलना चाहूँगा जिसने ये वीडियो डाली, मैं आपको उसका नाम भी नहीं बताना चाहूँगा कि उसने किसने डाली ये वीडियो, आप सब लोग समझदार हो। और प्लस मैं नहीं चाहता कि कुछ बुरा इंटरप्रिटेट हो, या फिर जब मेरे चैनल अभी तो ग्रो नहीं हो रहा, और इन फ्यूचर अगर ग्रो होता है तो फिर जब मेरी कम्युनिटी बड़ी होगी, अभी भी मेरी बहुत स्वीट कम्युनिटी है, वो जब बड़ी होगी वो चीज़ बुरा ना लगे उनको कि यार ये हैकर था, इसलिए मेरे को ये वीडियो डालनी थी। और मैं इस वीडियो पर काम भी कर रहा था जिस दिन ये वीडियो डिस्प्ले कैप्चर हुआ मेरी स्क्रीन पे, मैंने वो क्लोज़ किया, उसके बाद मैंने स्ट्रीम की, लेकिन उसके बाद से मैं इसी वीडियो पर लग गया कि यार मेरे को कम से कम ये आप ऑडियंस तक पहुंचाना है कि वो उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली। तो मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहूँगा अपनी बात का कि मैं हैक क्यों कर रहा था, हैक नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया, आई एम रियली सॉरी सभी उन लोगों को जिनको लगता था कि यार ऐसे कर रहे हैं। आई नो मैंने गलत किया एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। और
सेकेंडली मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वैसे भी एंटरटेनर रहने ही वाला हूँ, कभी यूट्यूब छोड़ने नहीं वाला, चाहे कितने भी हेटर्स आए, चाहे कुछ भी आए। और मैं यही कहूँगा कि सबके साथ हो सकता है ये, तो अगर आपको एक हैकर की तरह खेलना है तो आप हैकर की तरह खेलिए, फिर आपको किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यूट्यूब कम्युनिटी में, या मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो वो अगर हैक करके अपना गेम प्ले दिखाते हैं, अपना स्किल सेट दिखाते हैं, तो ये चीज़ गलत होती है। और आज की तारीख में आप सब लोग जानते हैं कि पबजी मोबाइल में कितने ज़्यादा हैकर्स हैं और कितने कैसे कैसे वीडियोज़ आते हैं, बिकॉज इट इज़ दी मोस्ट ट्रेंडीएस्ट गेम, ट्रेंडीएस्ट गेम। और सबसे ज़्यादा यही चीज़ मेरे को दिल में खटक रही थी कि मैंने आपसे शेयर नहीं की। और बहुत कुछ इन दोनों में हादसे हुए, चैनल बहुत अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था, और खुद के ही लोगों ने ऐसा किया, तो ये चीज़ शेयर करनी ज़रूरी थी। तो आई एम फीलिंग वेरी लाइट कि मैंने आप लोगों को बताया, और मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं आपने गलत किया, हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं फिर आपको दिल से बोलूँगा आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं एक चांस डिज़र्व करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे चांस दीजिएगा। मैं हैक गेम प्ले के लिए नहीं करा था, अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि नहीं हम भी गेम प्ले के लिए नहीं करते, हमें देखना था सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। बहुत रबिश रीज़न होता है, मैं गेम्स दिखाता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ कस्टम स्पेक्टेट करता हूँ, इसलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और कोई बात नहीं है, चैनल कल को बड़ा हो छोटा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक डिसलाइक कभी मैटर नहीं करते, ऑलवेज़ पॉजिटिव रहना ही की है मेरा, कि हमेशा पॉजिटिव रहो हर चीज़ में। तो लास्टली इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक गेम प्ले दिखाता हूँ कि उस दिन की वीडियो भी मैं इस वीडियो में डालूंगा, प्लस कि अगर मैं स्पेक्टेटिंग करता हूँ तो मैं कैसे जज करता हूँ कि सामने वाला हैकर है, तो मैं उसके बारे में भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। और आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको लगता है कि आपने सही किया या यू डिज़र्व अ चांस, आप अब नहीं करोगे। तो एंड उसी दिन मैंने वो हैक हटा दिए थे, मैंने कहा मतलब नहीं है और आई एम रियली सॉरी। और उसने जो कुछ भी बोला उस यूट्यूबर ने, उसको मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ब्रदर तूने गलत इंटरप्रिटेट किया, माना मैंने हैक किया पर इसलिए हैक नहीं किया कि मैं हेडशॉट मारूं या मेरे को अपना गेम प्ले दिखाना है। आई नो हाउ टू हैक, मैनी यूट्यूबर्स डज, लेकिन बस यही बोलना चाहूँगा समझ यार, सब लोग यूट्यूबर्स है, बड़ा छोटा कोई नहीं होता। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला भी, कई सारे यूट्यूबर्स के लिए, तू इसके जैसा नहीं है, तू उसके जैसा नहीं है, कि हम इसको जानते हैं हम उसको जानते हैं, यार कुछ नहीं रखा है इन बातों में, मैं भी बहुतों को जानता हूँ, 4 दिन में क्या हो जाएगा। तो जो कुछ है उस बात को भूलने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं भी भूलना है तो मैं बस माफ़ी मांगना चाहूँगा जो मैंने किया, और आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। सो गाइज़, ये हमने कस्टम रूम बना दिया है, जो कि मुझे आपको दिखाना था कि क्या होता है हैक करने का मतलब। इसके अंदर जो ये शख्स है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या नाम है इसका, ये जो है ये हैक करेगा, ठीक है, ही इज़ एक्चुअली अ हैकर। इसके अंदर 2 मोबाइल प्लेयर्स हैं, 2 इमुलेटर प्लेयर्स हैं। ये मैंने पूरा सिनेरियो बनाया जो हमारे कस्टम्स में रोज़ाना होता है। दिस इज़ द फाइल जो उसने बहुत ही गलत इंटरप्रिटेट की कि भाई ये क्या है, इसका मैं क्या डिस्प्ले कैप्चर हो रहा था, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो दिस ये हाई फाइल है, और मैं दिखाऊंगा कि सारे स्ट्रीमर्स कैसे करते हैं। ये डिस्प्ले कैप्चर मैंने इसीलिए किया है, वरना मेरे को कोई मतलब नहीं था कि मैं डिस्प्ले कैप्चर करूँ, मैं हाइड करके भी दिखा सकता था कि देखो मुझे पता चल रहा है। मैं आपके सामने ही खोलूँगा और आपके सामने बताऊँगा, देखिए दिस इज़ द एक्चुअल हैक्स जो कि होते हैं। देखिए इसमें कितना टाइम लगता है, और ये याद रखिएगा ये हमेशा स्मॉल स्क्रीन पे होता है। कभी भी कोई स्ट्रीमर अगर आपको दिखे वो फुल स्क्रीन करके नहीं खेल रहा, या स्मॉल स्क्रीन करता है, या स्टार्टिंग में स्मॉल होती है फिर बड़ी करता है, तो ऐसे समझिए कि वो एक्चुअली हैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए ये मैंने ओपन किया है, अब इसके अंदर ये अप्रॉक्स कुछ सेकेंड लगाता है ओपन होने के अंदर, 7, 6, 5, और कई बार इसको 2 से 3 ट्राइज़ भी लग जाते हैं ओपन करने में। तो कई बार किसी स्ट्रीमर का अगर ये बंद हो जाता है तो आप देखिएगा कि वो स्ट्रीमर उसी टाइम कुछ ना कुछ बहाना करके स्ट्रीम को इधर उधर करता है, ये चीज़ होती है। और लोग भी करते हैं कि भाई मेरा ग्लिच हो गया, मैं चल नहीं पा रहा, ये सब बहाने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अब दिखाऊँगा आपको सामने ऑन करके, ठीक है, कैसे ये लोग हैक करते हैं, क्योंकि ये हैक मुझे मिला है तो ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि ये हैक लोग कर रहे हैं। आप ऐसे स्किप करते हैं, उसके बाद कई बार आपको रीडायरेक्ट कर देता है, नहीं चलता है चलता है, फिर आप नॉट योर बॉट करते हो, फिर जाके आपको कोई मैसेज आता है कि आपके हैक्स चालू हो गए। और मैं पूरे हैक्स का डिटेल एनालिसिस बताऊंगा, और मैं आपको ये नहीं बता रहा है कहाँ से मेरे को मिले और मैंने कैसे डाउनलोड किए, ये चीज़ मैं इतना आपको अश्योर करता हूँ कि हमने कभी इसको हैकिंग को यूज़ नहीं किया फॉर गेम प्ले पर्पज़, ठीक है। नॉलेज है, अच्छी चीज़ है, काफ़ी लोगों को नॉलेज होती है, लेकिन आप ये चीज़ देखिए। अब देखिए अब इसके बाद भी ये टाइम लगाएगा जनरेटिंग लिंक के साथ, उसके बाद इस बॉक्स पे एक मैसेज आएगा कि हाँ आपने हैक चालू कर दिए हैं। तो मैंने एकदम खुले आम हैक को रिवील कर दिया है कि इमुलेटर प्लेयर्स कैसे करते हैं। हो सकता है इस वीडियो पे हेट भी आए, लेकिन ये बात करनी ज़रूरी थी तो मैंने ये चीज़ किया।
अब गेट अ लिंक आया, मैंने गेट अ लिंक पे किया, नाउ दिस इज़ द कन्फर्मेशन मैसेज जो मुझे मिलेगा। इस टाइम के बाद हम लोग इसको बंद कर सकते हैं स्क्रीन को, और इस पे देखिए जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा और मैं अपनी पबजी की स्क्रीन पे जाऊंगा, देखिए मेरे हैक्स चालू हो गए, मुझे यहाँ पे हैक्स दिख रहे हैं। मेन्यू में जाके लोग क्या करते हैं, इसको इंग्लिश कर देते हैं जैसे वो पढ़ सकें, उसके बाद CPU यूटिलाइजेशन सही कर देते हैं और इसकी की डिलीट होम कुछ कर देते हैं, जैसे हॉट की, कि जैसे मैंने होम का बटन प्रेस किया, मैं आपको अपना कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं करूँ। मैंने जैसे ही होम का बटन क्लिक किया, ठीक है, होम का बटन जैसे ही मेरा क्लिक होगा मेरे हैक्स रिवील हो जाएंगे और रैक छुप जाएंगे। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले कैप्चर ना करूं, इसको विंडोज़ कैप्चर में करूं, तो ये हैक नहीं दिखेंगे आपको, जैसे अभी आपको नहीं दिखे। उस दिन भी यही हुआ था, मैंने बस ये ऑन किया था और मैं गेम खेलने लग गया, मेरे को पता भी नहीं था कि हैक भी ऑन है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ ये नहीं कह रहा, देखिए उसके साथ हमेशा ये चीज़ ऐसे खुल जाती है। अब मैंने होम दबाया, मेरे को मेरे हैक दिखे, मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको होम से कर दिया, सब कुछ अपना फिक्स कर दिया, बंद कर दिया। अब इसके ना कितनी सारी चीज़ें होती हैं, नो रिकॉइल, नो स्कोप शेकिंग, क्रॉस योर रिड्यूस, फास्ट स्कोपिंग इन, ये चीज़ें डेंजरस में होती है। एम बॉट होता है इसके अंदर, आई एम बॉट सेट करते हो, मैंने कभी एम बॉट नहीं किया, आप कभी भी देख सकते हैं एम बॉट का मतलब क्या होता है, अलग चीज़ होती है, आप खुद समझदार हैं। ESP का मतलब आपको बंदे दिखेंगे, नाम दिखेगा, उनकी डिस्टेंस दिखेगी, लाइन बन जाती है उन पे, हेल्थ दिखती है, बॉक्स बन जाता है। तो मेरे को सिर्फ ये करना था कि मुझे उनकी बोन्स दिखे, जैसे मैं देख सकूँ कौन ट्रेसिंग कर रहा है कि नहीं, जो कि गलत है, मैंने किया, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, लेकिन फिर भी अब मैं दिखाता हूँ कैसे ये लोग गेम में करेंगे। तो ये हैक्स मेरे ऑन है और मैं हैक्स को बंद नहीं करूँगा, मैं कस्टम स्टार्ट करूँगा और आप देखिएगा कि कैसे ये लोग गेम के अंदर हैक करते हुए खेलेंगे। और कोशिश भी करेगा ना एक बंदा कि मैं ना खेलूँ, मैंने कोई आवाज़ नहीं की, फिर भी जो हैकर बंदा है उसको ढूंढ के मार सकता है। और कैसे वो पकड़ा जाता है, कैसे वो ट्रेसिंग होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये होम दबाऊंगा, ये स्क्रीन पे दिखना बंद हो गया, लेकिन ये ऊपर दिख रहा है क्योंकि मैंने डिस्प्ले कैप्चर किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं जैसे ही डिस्प्ले कैप्चर हटाऊंगा आप नहीं देख पाएंगे कि मैं हैक कर रहा हूं। देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूं, अभी मैंने ऐड किया हुआ है, मैंने किया, मैंने अपने OBS के अंदर सिर्फ इसके अंदर विंडोज़ कैप्चर करना है, दैट्स इट। जो मेरे को विंडोज़ कैप्चर करना है, मेरे को सिर्फ विंडोज़ कैप्चर ऐड करना है इसके अंदर। जैसे ही मैंने विंडोज़ कैप्चर ऐड किया, ठीक है, ये देखिए मेरी स्क्रीन ब्लैक होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने विंडोज़ कैप्चर सेट नहीं हुआ हुआ। जैसे ही मेरा विंडोज़ कैप्चर सेट होगा प्रॉपर्ली, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, ध्यान रखिएगा, ये मेरी हैक की स्क्रीन है, जो हैक चल रहा है, ये मेरी मेन स्क्रीन है। ये लोग स्ट्रीमर्स करते हैं, देखो क्या करेंगे वो लोग, ये चीज़ की, इसको किया बंद, आप हैक कभी नहीं पहचान सकते। और जैसे ही डिस्प्ले कैप्चर ऑन हुआ, जैसे ही डिस्प्ले कैप्चर ऑन हुआ और ये छुपा, हैक दिख रहे हैं। दिस इज़ द मेन थिंग जो लोग करते हैं, और मैं उस दिन डिस्प्ले कैप्चर कर रहा था, ठीक है, मेरे को कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं थी किसी से कुछ, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ दिखाना है, तो मैं भी आपको सिर्फ डिस्प्ले कैप्चर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने होम दबा दिया, आपको ये एनिमीज़ दिख रहे हैं, आपको चीज़ें स्पॉट होएगी, ठीक है। अब देखिएगा बंदे कहाँ उतरे, अब इतना बड़ा सर्कल है, हमने इनको कहा है कि ये लोग स्कूल उतरेंगे, ठीक है। अब ये स्कूल उतर के कैसे हैक करेंगे, कैसे वो लोग लूटेंगे, कैसे उसका रिएक्शन होगा, आप देख सकेंगे कि वो दूर से ही उस बंदे को देख लेगा कि अच्छा उधर बंदा है, तो वो उस साइड पे जाएगा ही नहीं, वो इतना ब्लेटेंट करने की कोशिश करेगा कि नहीं। देखिए जैसे कि एक बंदा है, ये उतर गया नोवो के लिए, सब लोग नोवो के लिए उतरे हैं, ओके नॉट बैड, एवरीवन इज़ गोइंग फॉर नोवो, क्योंकि शायद ये लोग कंटेनर्स के लिए दिखाएंगे कि कंटेनर्स पे कैसे एमबॉट होता है, जबकि मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज़ ना करी ना करूँगा। ये देखिए कैसे दिख रहा है मुझे, इसकी बॉडी स्केच दिख रही है मेरे को, आई कैन एबल टू स्पेक्ट्रेट पीपल थ्रू गेम। देखिए अब मुझे बंदे दिख रहे हैं, ये देखिए ये येलो है, मेरे को बंदे कितने नियर हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ हैकर को, ये TYUZU, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये क्या कर रही है आप खुद नहीं समझ पा रहे, या तो एक ग्लिच हो चुकी है, देखिए अब ये चलेगी, इसको बंदे देखने की जरूरत नहीं है, पहली दिखा देगी कि ये बंदे कहाँ हैं, ये पहली एम ले सकती है बंदों पर, जबकि मैं इसको बताऊंगा नहीं। ही कैन एक्चुअली एम टू दी पीपल्स, उसने नेट उठा लिया, हो सकता है किसी को नेट से भी मार दे, ठीक है। वो उस लोकेशन पे कभी भी नहीं जाएगा जो हैकर है, अभी आप देख के किसी को नहीं कह सकते कि ये बंदा हैकर है, बिकॉज एवरीवन इज़ प्लेइंग गुड, कि यार अभी स्टार्टिंग का है, किसी को कुछ मिला नहीं, ठीक है, सब लोग नॉर्मली लड़ रहे हैं। अब ये ट्रेसिंग करेगा, अब देखिएगा ये ट्रेस कैसे करता है एक बंदे को, देखिए अब वो बंदा वहाँ पे, लेकिन उसको पता है वो आ रहा है, तो उसने वहीं पर एम लिया। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ मैं देख सकता हूँ। अब वो आ गया, रिकॉयल देखिए, रिकॉयल देखिए, अब आप कहेंगे नहीं रिकॉयल हुआ था, शेक हुआ था उसका नेड,
देखिए वो 100 मीटर दूर वाला बंदा था और वो निकल गया वहां से। देखो उसको कोई डर नहीं है, उसको किसी का फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि बंदा कहाँ है, वो नेड ही वहीं पे करेगा। देखिए 69 हेल्थ कर दी उसकी नेड से। आप कह रहे हो बहुत अच्छा प्लेयर है यार, क्या खेला, बहुत प्रो प्लेयर है, लेकिन नहीं। देखो ही इज एक्चुअली एमिंग थ्रू इट, वो बंदे को फॉलो कर रहा है। देखो उसको जाने की जरूरत नहीं थी, कोई रिकॉयल नहीं हुआ उसका एकेएम का। अब ये चीज अगर मैं स्ट्रीम पे बोलूंगा बिना हैक देखे हुए कि वो उसको ट्रेस करा था नहीं, क्योंकि मैं इसके पर्सपेक्टिव से देख रहा था तो मुझे वो बंदा भी नहीं दिख रहा था जो अभी मरा, तो मैं कहता कि नहीं यार उसने अच्छा मारा है यार, उसने नेड बड़ा प्रॉपर किया यार, बहुत अच्छा नेड था यार, उसको साउंड आ गई होगी। लेकिन एक्चुअली वो हैक कर रहा है। देखो उसने उस बंदे को वहां से कर लिया है, ये लोग करते हैं। अब उसने कोशिश की वो यहां से कर दिया, और लोग मार भी देते हैं, ऐसे भी हैक्स आते हैं कि आप यहां से खड़े खड़े होके, नोवो से खड़े होके कहीं दूर किसी गाड़ी के पीछे वाले बंदे को नॉक कर दो, और ये चीज़ शायद आपके साथ हो रखी है, तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं इतना गेम ये खेलता नहीं हूँ, सिर्फ कस्टम स्पेक्टरेट करता हूँ। अब ये यहाँ से जा रहा है, इसको पता है कि इसको बंदे को ख़त्म करना है, इसने पहले ही झटके में एक बंदे को ख़त्म कर दिया, इसके पास रिकॉयल का कोई नहीं है। देखिए अभी भी उसको एम ले रहा है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उससे, मेडिकेट मार रहा है उसको। ये जो हैकर्स होते हैं इनको बेसिकली क्या होता है ना, ये अगर 1 HP पे भी होते हैं ना तो उनको लगता है कि नहीं वी कैन क्लच, क्योंकि उनको पता है कि उनके हैक्स उनको धोखा नहीं देते, तो वो 1 HP पे भी कई बार तीन तीन चार चार किल कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि यार ये बहुत प्रो प्लेयर है। देखिए इतनी दूर से नो रिकॉयल, इट इज़ एक्चुअली नो रिकॉयल, लेकिन ये फिर भी बहुत ख़राब कर रहा है, कोशिश कर रहा है वो कि हैक करने के बावजूद मारे, लेकिन उसने इतनी दूर से उसको स्पॉट कर लिया, ये फिर मर गया। कितना इजी था, इसलिए ब्लेटेंट है। अब मैं उसके पर्सपेक्टिव से देखूँ ना तो वो बेचारा परेशान हो रहा होगा कि वो बंदा है कहाँ, कहाँ से उसने पीक लिया। अब इसके पर्सपेक्टिव से देखना, ये हैक नहीं कर रहा है तो ये बेचारा देखेगा कि यार वो बंदा है कहाँ, अब उसको पहले बंदा समझ ही नहीं आएगा। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और लोग, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने इनको बोला, देखो वो वहाँ से गोलियाँ चला रहा है, इसको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से, ये अलग पुश कर रहा है और ये अलग पुश कर रहा है, देखो कोई सेंस था। दिस इज द वाई मैंने सोचा कि देखें तो लोग करते कैसे हैं। देखो इतना ब्लेटेंट हैकिंग होती है। तो आई होप आपको इससे समझ आया होगा वीडियो से कि मेरा कोई पर्पस गलत नहीं था, मैंने इस वजह से हैक ओपन किए थे, और ये हैक्स वैसे भी मैं हटा दूंगा, मैंने आपको दिखा दिए क्या हैक्स होते हैं, सब कुछ बता दिया हैक्स के बारे में। देखिए गेम फिनिश, उसने 3 बंदों को मार दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यही तो होती है। देखो उसने 3 किल किया और कैसे कि आपको पता चल गया। तो गाइज दिस इज़ द रीज़न वाई मैंने हैक ओपन किया उस दिन स्ट्रीम पे, दिखा आपको वीडियो भी दिख जाएगी, फिर मैंने बंद किए थे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दैट वॉज़ रॉन्ग, मैंने किया, कभी गेम प्ले के लिए नहीं किया। आप अगर मेरे स्टैट्स देखेंगे तो देखिए आप कहेंगे कि भाई इससे अच्छा तो बॉट खेल ले, क्योंकि मुझे बॉट मारते हैं, आपको पता है जो मेरे अपने हैं उनको कहते हैं, अगर मैं 1 किल कर लेता हूँ ना तो लिटरली बोलते हैं कि आज अनमोल अनमोल नहीं है, वो कुछ अलग ही बंदा बन के आया हुआ है। और कभी भी मेरे ऐसे आपको नहीं मिलेंगे कि 17 किल सोलो मार रहा हूँ। वीडियोज़ हैं कुछ, गेम्स अच्छे गए हैं तो उनकी वीडियो मैंने डाली भी है, लेकिन हमेशा नॉर्मल तरीके से। तो गाइज थैंक यू सो मच। और अब जो मेरे को वीडियो दिखानी है ये है वो हैक की जो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी कि कैसे लोग हैक करते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो, चलिए गाइज दिस इज़ द लास्ट वीडियो जो मेरे को बनानी थी, और ये बहुत कट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर साउंड भी है। इन अब देखिएगा रिकॉइल, आप बता नहीं, वो बेचारे का चांस ही नहीं था, और हम बताए क्या कहेंगे, क्या रश किया यार उसने, रिकॉइल देखा आपने, कहीं आपको लगा कि नहीं यार इसकी गोलियां इधर उधर हो रही थी, गन स्कैटर हुई, नहीं ना, वो यही रीज़न है कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं बहुत अच्छा प्लेयर होगा, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि ऐसे भी लोग होते हैं। अब ये छुपा हुआ है, अगर वो चाहे और नीड करे तो ये 2 मिनट में मार सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा। वो देखिए कोई कोई सेंस नहीं था यार, नेड कैसे आया, हम कहेंगे क्या नेड किया यार उसने, देखिए वो कितना गोल घूम रहा है कंफ्यूज करने के लिए, इतना प्रो था।
बहुत प्रो प्लेयर था. कंक्लूडिंग द वीडियो, आई एम रियली सॉरी फॉर हैकिंग एंड सेकेंडली अगर करते हो तो मत करो. और आपको लास्ट एक चीज़ जो दिखानी है वो है मेरी वीडियो की, उस दिन क्या हुआ था, उस पर मैं भी रिएक्ट कर देता हूँ. तो गाइज ये मेरी उस दिन की स्ट्रीम है जो एक्चुअली स्ट्रीम पे हुआ था और जिसका लोगों ने गलत मतलब लिया. उसने पूरी ऑडियो ही गायब कर दी और उसने कुछ नहीं किया, पर हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे और हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं बताना चाहेंगे. तो आप बस ये सुनिए और ये चीज़ देखिएगा कि हुआ क्या था. एक्चुअली मैं पहला गेम खेलता हूँ और इस टाइम मैंने बोला भी था कि यार पहला गेम खेल रहा हूँ उसके सीधे कस्टम्स करेंगे. ठीक है, गेमिंग सीन पर. अब जैसी गेमिंग सीन पर किया मैं एक इंटरमिशन लगाता हूँ. अब इंटरमिशन पे जब मैं जाता हूँ तो मैं डिस्प्ले कैप्चर क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे को चैट्स और सब देखनी होती है सेकंड स्क्रीन पे. एंड दिस इज द थिंग, उसने बहुत गलत इंटरप्रिटेट किया कि भाई तेरा ये क्या खुला हुआ है, ये क्या है. आई नो, देखिए मैं छोटा गेम खेल रहा था क्योंकि उसके बाद दो वॉचिंग थी. द रीजन when I hacked there was actually two watching. thank you so much for joining the stream. देखिए रोहित सिंह, हेलो ब्रो, कैसे हो. ये मैं बहुत देर तक लोगों से बात कर रहा था क्योंकि मेरे को गेम नहीं खेलना था कि आप लोग आए. ये देखिए इतनी देर मैंने से बात की, वरना मैं हैक करता ना. इन्होंने को स्किन्स विंस देखनी थी, उसके बाद मैंने सीधे किया. देखिए मैंने सीधे गेम चालू किया और इस टाइम लोगों ने बोल दिया कि आपकी वो दिख रहे हैं हैक्स, तो मैंने ये चीज़ बंद कर दी थी. देखिए मेरे बाल बाल खराब हो रहे थे. ये देखिए इस टाइम आई जस्ट क्लोज्ड इट. देखिए इस टाइम क्या हुआ कि देखिए वो यहाँ पे क्या हुआ हुआ था, जो चीज़ मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, इस दिस सेक्शन यहाँ पे था विंडोज़ कैप्चर और ये सेक्शन था जब हुआ था डिस्प्ले कैप्चर. मैं मना नहीं करूँगा, ये एक छोटा गेम था, मैंने हैक किया जो कि गलत था, पर ये गेम में भी मैंने बहुत तीर नहीं मारे, मेरे सिर्फ दो किल थे. ठीक है, आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं. अभी मैं इसके बाद ये वीडियो अपलोड होने के बाद इसको अनप्राइवेट कर दूंगा और वो वीडियो बाहर आ जाएगी. ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसे हुआ था और मुझे पता भी नहीं चीज़ है क्या है. मैं तो बस जाके घुस रहा हूँ क्योंकि आधा टाइम मेरा ध्यान रहता है स्क्रीन पे, मेरा ध्यान रहता है स्क्रीन पे और ये चीज़ ऑन हुई थी. दिस इज़ नॉट रॉन्ग. अब यहाँ पे चार दिख रहे हैं, मेरे को नहीं पता था क्योंकि देखिए अभी भी मैंने उसका चैट पढ़ने के लिए देखा लगा स्क्रीन. देखिए चार का तीन दिन में हो जाएगा, तो आई एम वॉज रीडिंग द चैट, मेरा ध्यान गेम पे कभी भी नहीं रहता. और मैं बस यही बोलूँगा कि आई एम रियली सॉरी. और देखिए इसके बाद मैंने बंद किया था और फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं कर रहा बिकॉज कम वॉचिंग थी. तो मैंने कहा आई जस्ट वॉन्ट कि ये ज़्यादा टाइम तक बात ना आए और आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट कि कैसे लोग करते हैं, जैसे गलत इंटरप्रिटेशन लोगों तक ना जाए. तो गाइज इतनी ही थी ये वीडियो और बाकी थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्ट. तो गाइज अभी हम चलते हैं और लास्ट कंक्लूजन पे चलते हैं वीडियो का, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा. सो कंक्लूडिंग द वीडियो, मैं यही बोलना चाहूँगा आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा कि यार तूने ऐसा क्यों किया. और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा या मैं जाना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि इवेंचुअली फ्यूचर में कुछ होता है तो ये बात उठ के आएगी कि यार ये हैक करता है. मैं कभी भी गेम प्ले पे नहीं जाता, सिर्फ एंटरटेनर हूँ. एंटरटेनर रहने दो यार, क्यों किसी चीज़ में फंसाते हो, कॉन्ट्रोवर्सीज करनी नहीं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी जैसे उठती है या कुछ बात होती है ऐसा क्यों किया इसने ये बोल दिया, तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड. मैं कोई चीज़ पे अब कमेंट नहीं करना चाहता इस पे. मैंने जो कुछ था आपको सब कुछ बता दिया. आपको इस वीडियो के अंदर मेरी क्लिप भी मिल गई थी, आपको जो मेरे को दिखाना था कि कैसे मैंने स्पेक्ट्रेट करते हुए बंदों को पकड़ा, कैसे उनको बैन किया, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँगा. तो गाइस अभी के लिए हम वीडियो को इतना ही रखेंगे. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी फॉर हैकिंग एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा कभी भी नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि मैं वैसे भी GTA की रेसेस और PUBG मोबाइल कस्टम्स बनाता हूँ और मेरे को कस्टम्स में ज़रूरत नहीं है. अगर ये चीज़ इतनी बुरी है तो मैंने देख लिया, आई ऑल्सो एक्सपीरियंसड इट कि हैक कैसे करते हैं लोग. तो बस इतना ही वीडियो रखूँगा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट. तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द अनमोल राजवंशी.